Mornings are great, but it's only when you wake up before the sun rises. हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ रोहित का व्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं पुणे की ऐसी प्लेस जहाँ पे पुणे के मोस्ट ऑफ द पीपल जाते हैं मॉर्निंग में। तो सुबह की नींद सेक्रीफाइस करके ऐसे प्लेसेस पे जाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो आप बाहर भी देख सकते हैं कितना अंधेरा है अभी तक। इट्स मॉर्निंग 6 AM। तो अभी चलते हैं पुणे की उस प्लेस पे जिसका नाम है वेताल टेकड़ी, या एरिया हिल्स भी कहते हैं उसे। तो चलते हैं वेताल टेकड़ी पे। सो आई गॉट रेडी एंड इट्स अराउंड 6:14 नाउ। तो अभी चलते हैं वेताल टेकड़ी पे। पहले हम आए थे अपने दोस्त अजिंक्य को पिकअप करने ऑन में, तो वो आ रहा है, उसे पिकअप करते हैं और चलते हैं आगे। तो यहाँ गोखले नगर के बेस पॉइंट से हमें ज्वाइन किया हमारे दोस्त पेश आकाश ने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो गोखले नगर से भी एंट्री पॉइंट है, और अगर आपको मेन एंट्री पॉइंट चाहिए ARAI, तो वो एंट्री पॉइंट पौड़ फाटा से है। तो आपको पौड़ फाटा से भी एक एंट्री पॉइंट मिलता है। वैसे इस हिल के बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, तो आप उस पॉइंट से भी एंट्री कर सकते हैं। तो हमें गोखले नगर का पॉइंट करीब था, तो हमने यहाँ से एंट्री कर ली। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं सनराइज़ कितना बढ़िया दिख रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो रास्ता कुछ ऐसा है आने के लिए, आप मेरे पीछे से रास्ता देख रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर हिल के पास, ARAI, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस साइड में भी हम जाएंगे। और इस रास्ते से जाते हुए पहले हमें पॉन्ड लगेगा, तो मैं आपको वो पॉन्ड दिखा देता हूँ आगे चल के। और आपने कुछ लोग भी देखे होंगे, कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, कुछ रनिंग के लिए आते हैं, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में बहुत सारे लोग आते हैं, तो सभी एंजॉय करते हैं, और बहुत सारे लोग फोटोग्राफी के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो उनके फ़ोटोज़ निकालने के लिए भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं। और आप बहुत सारे लोगों के हाथ में बढ़िया बढ़िया कैमरा और बड़े बड़े लेंस देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाई दूंगा वो सब। चलते हैं ऊपर। अब आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ दो ही लोग हैं, लेकिन ये जिनको पिकअप करने गया था वो हमसे काफ़ी पहले ही पहुंच चुके हैं। हाँ, हम बाइक्स पार्किंग में लगाने में थोड़ा सा टाइम हमें लग गया नीचे, क्योंकि नीचे पार्किंग की जगह नहीं थी। तो वो दोनों भी ऊपर जाके बैठे हुए हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी जाते हैं, लगभग हम पहुंच ही गए मुझे लग रहा है। तो अब बहुत पास है, ये देखिए, आई थिंक यहीं पे है वो पॉन्ड। तो चलते हैं।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं पौंड के पास। ये पौंड आप देख सकते हैं, लेक भी कह सकते हैं। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मैं नहीं आ रहे हैं पौंड के पास से आए तो आप वहाँ से आएंगे और वहाँ से आपको घूम के ऐसा आना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं। तो अजिंक्य और विशार जो मेरे साथ आए थे वो पहले ही ऊपर आए थे हिल पे, हम बाइक पार्क करने में हमारा टाइम चला गया तो वो भी हमें मिल गए। तो अभी यहाँ पे लेक व्यू देख रहे हैं। तो गाइस तुम जल्दी आ गए यार, तुम बैठे नीचे फिर क्या करेंगे हम? हमें बाइक पार्क करने तक भी रुके नहीं, जगह मिलेगा बाइक पार्क करने को, पार्क कर ली ठीक से हमने, डोंट वरी। सो कैसा लगा ये व्यू? ठीक है, पानी कम है अभी, बारिश में इधर मजा आएगा। हाँ बारिश में तो नेचर का मजा ही अलग होता है, हरियाली ज्यादा रहेगी बारिश में, समझ रहे हो ना। हरियाली मतलब तुम्हें कौन सी हरियाली कहनी है? वो मैं तो घास की बात कर रहा हूँ, घास। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। ठीक है, तो ये व्यू एंजॉय करते हैं, आप भी व्यू एंजॉय करिए। तो इस हिल को एआरआई हिल्स और बेताल टेकड़ी कहते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो एआरआई हिल्स इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एआरआई सेंटर है, और बेताल टेकड़ी कहते हैं इसका रीज़न है कि यहाँ पे बेताल बाबा मंदिर है। तो वो मंदिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे एंट्री पॉइंट पौड़ रोड से। जब आप पौड़ रोड से आते हैं तो आप इस एंट्री पॉइंट से अंदर आते हैं, और यहाँ पे आपको बाइक पार्क करने के लिए या कार पार्क करने के लिए जगह है, और उसी के सामने है एआरआई सेंटर। तो आप वहाँ से आ सकते हैं अंदर, और इस एंट्री पॉइंट से आप अंदर जाएंगे बेताल टेकड़ी के लिए। तो करता हूँ मैं वीडियो को यही पे एंड। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।